चीनी खट्टी टमाटर फीके के बाद एक ही रात के भीतर सिंध के पूरे सूबे में आटे के दामों ने आसमान छू लिया। कल तक जो आटा 47 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रहा था, वह आज 50 रुपए से छलांग लगाकर 65 रुपए किलो तक जा पहुंचा। हालत यह है कि सिंध में अनाज की कमी को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई है। सिंध के कराची में इस वक्त चक्की का आटा 65 रुपए किलो तो फाइन आटा 60 रुपए किलो हो गया है, जबकि ढाई नंबर आटा 55 रुपए पर पहुंच गया है। स्थिति यह है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि भारत से व्यापार बंद होने के चलते 10 से 11 लाख टन अनाज की भारी कमी है, जिससे पाकिस्तान को शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की सरकार अनाज की किल्लत पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे फ्लोर मिल्स के सामने दाम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बड़ी बात यह है कि एक ही रात में बड़े आटे के दामों के कारण तंदूर मालिकों ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने आटे के दामों में कमी नहीं की तो मंगलवार से रोटी की कीमत में 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान के लाहौर और कराची शहरों में ज्यादातर लोग तंदूरों की रोटी ही खरीदते हैं। इनमें लाहौरी नान, सीरमाल, ताप्तान और चपाती के रेट पहले ही बहुत ऊपर चल रहे हैं। अगर अगले दो दिनों में आटे के दामों में कमी नहीं होती है तो पाकिस्तान में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान में टमाटर चीनी के बाद यह एक बड़ी मुसीबत सामने आई है। हालत यह है कि इमरान खान के मंत्री पिज्जा खा रहे हैं और जनता को रोटी भी मैसर नहीं हो रही है। खास बात यह है कि सिंध के फूड विभाग ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसका कहना है कि सरकारी गोदामों में अनाज का केवल 20 दिन का स्टॉक ही बाकी है। अगर केंद्र सरकार ने अनाज का आयात नहीं किया तो सूबे की सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। वैसे भी सिंध में पीपुल्स पार्टी की सरकार और इमरान खान के बीच संबंध सामान्य नहीं है, इसलिए स्थानीय जनता में ऐसी अफवाह फैल रही है कि सत्ता में बैठी पीटीआई जानबूझकर ऐसे ओछे हथकंडे अपना रही है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान के मुनाफाखोरों ने भारी मात्रा में अनाज का स्टॉक जमा कर लिया है, जिसके बाद बाजारों में एक ही रात में आटे के दामों ने इतनी ऊंची छलांग लगाई है। पर मामला यहां तक नहीं है। पिछले दो महीने से पाकिस्तान में ऐसी आशंका प्रबल होने लगी थी कि देश में आटे के दाम 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस संबंध में आपके इसी चैनल ने दो एनालिसिस भी जारी किए थे। उस वक्त आटे के दाम प्रति बोरी 3000 से 3500 रुपए के आसपास चल रहे थे। भारत से व्यापार बंद होने के चलते पाक सरकार अगस्त माह में अनाज आयात भी नहीं कर पाई थी, जबकि पाकिस्तान में प्रत्येक वर्ष 25 से 30 लाख टन अनाज का आयात होता है। इस वक्त पाक के सामने यही बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। सिंध के अलावा पाकिस्तान के अन्य सूबों की फ्लोर मिलों ने भी एक महीने के अनाज स्टॉक की घोषणा करके सरकार के माथे पर चिंता पैदा कर दी है। स्थिति यह है कि महंगाई से जूझते इस मुल्क में यह एक बड़ी आपदा साबित होने जा रही है। खासतौर से महंगाई की वजह से जनता में उबाल बढ़ रहा है और वह कभी भी एक बड़े आंदोलन में बदल सकता है। विगत 3 महीने पहले पाक में 7 रुपए की बिकने वाली रोटी आज 18 से 20 रुपए की मिल रही है, जबकि लाहौरी नान और सीरमाल के भाव 35 रुपए हैं। अब अचानक से बढ़े आटे के दामों में यह 50 रुपए से ऊपर पहुंच सकते हैं, जबकि रोटी 25 से 30 रुपए को पार कर सकती है। पर सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान फिर से भारत के साथ व्यापार शुरू करेगा? अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि भारत से व्यापार बंद होने के बाद जो मदरसा छाप पत्थरों से टमाटर उगाने की बात करते थे, वह मदरसों में सिर पटक रहे हैं। जो अनाज पैदा करने की तकनीक बता सकते थे, वह पिज्जा की दुकान पर लाइन लगाए खड़े हैं। मरना तो उस गरीब का है जो बिना तहमंद और बिना टोपी के कहीं किसी कोने में सर्दी की शाह रात में डुबकी मारे ठिठुर रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।